हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? तो आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ ये वाला लुक। तो आपको भी जानना है ये वाला लुक मैंने कैसे किया, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने इस वाले लुक के लिए लगाया मॉइस्चराइज़र अपने फेस पे। तो आप कोई भी मॉइस्चराइज़र ले सकते हो, आपके पास जो भी मॉइस्चराइज़र है आप ले सकते हो, नॉर्मल सा। ऐसी बात नहीं है कि आपको महंगे ही मॉइस्चराइज़र यूज़ करने पड़ेंगे, आप कोई भी एक नॉर्मल सा मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हो। आप डेली मॉइस्चराइज़र जो यूज़ कर सकते हो वो भी यूज़ सकते हो। उसके बाद फिर अगर आपके पास प्राइमर नहीं है तो आप एक जुगाड़ कर सकते हो, बहुत ही अच्छा सा जुगाड़ है। प्राइमर की जगह आप अपने फेस पे एलोवेरा जेल लगा सकते हो। आपके पास अगर नेचुरल वाले हैं तो वो लगा सकते हो, मैं यहाँ मार्केट वाले एलोवेरा जेल लगा रही हूँ। और इसको लगाने के बाद आपके फेस में लगाने के बाद इसको एब्जॉर्ब होने देना है 1 मिनट तक। उसके बाद आपको अपने डार्क सर्कल छिपाने हैं। डार्क सर्कल के लिए हमें कंसीलर की ज़रूरत पड़ती है, बट यहाँ हम बजट फ्रेंडली मेकअप कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे कंसीलर की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको बस एक कोई सा भी अपना लिपस्टिक लेना है जो कि रेड कलर का हो, उसको लेके अपने डार्क एरिया पे लगा लेना है। देखिए मेरे जहाँ जहाँ डार्क सर्कल थे मैंने वहाँ वहाँ पे इसको अप्लाई किया। मेरे थोड़े आईज़ पे थे और थोड़े लिप्स के इधर उधर भी थे और माथे पे भी थे, तो थोड़े थोड़े जहाँ पे भी थे मैंने हर जगह पे इसको मतलब कलर करेक्शन किया लिपस्टिक से ही। तो आपको कंसीलर की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे लगाया फाउंडेशन। आपके पास जो भी फाउंडेशन हो, आपको जो भी मतलब सूट करता हो आपके स्किन से और मैचिंग हो वो वाला आप लगा लेना। तो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है NYBA का फाउंडेशन जो कि मेरे स्किन टोन से बहुत ही अच्छा मैच करता है। उसके बाद हम करेंगे कॉन्टोर। कॉन्टोर के लिए हर किसी के पास कॉन्टोर नहीं होता पर लिपस्टिक ज़रूर होते हैं। तो मैंने लिपस्टिक पैलेट से अपने स्किन से 2 कलर डार्क शेड लिए और उसके बाद कॉन्टोर करना शुरू कर दिया। आपको कॉन्टोर अभी लाइट करना है क्योंकि शुरू शुरू में अगर आप कॉन्टोर ज़्यादा कर लेंगे तो आप ब्लेंड नहीं कर पाएंगे। आपको अगर इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए तो इसको आप लाइटली ही लगाना अपने फेस पर ताकि ज़्यादा ना दिखे। अब उसी आई पैलेट से आपको लगाना है ब्लश। देखिए इस आई पैलेट पे कितने सारे ढेर सारे कलर्स हैं। अब हर किसी के पास ब्लश तो नहीं होते पर आप आई शेडो से भी ब्लश लगा सकते हैं एकदम बहुत ज़्यादा इजीली। तो मैंने एक कलर ले लिया जो भी आपके पास मतलब है, आपको जो भी कलर का ब्लश लगाना है वो आप ले लेना। लेके हाथों की मदद से इस तरीके से लगा लेना तो परफेक्टली ब्लश लग जाएगा, आपको मतलब ज़रूरत नहीं पड़ेगी प्रोफेशनल ब्लश लगाने की। उसके बाद मैं आई मेकअप भी उसी पैलेट से करूँगी, मैं कोई एक्स्ट्रा पैलेट नहीं लूँगी, उसी पैलेट से मैं आई मेकअप करूँगी। देखिए सबसे पहले आई मेकअप के लिए मैंने काजल लगा लिया दोनों आँखों पर। काजल लगाने के बाद मैं आई पैलेट से मैंने एक कलर ले लिया जो कि है गोल्डन कलर, गोल्डन भी लिए लाइट कलर है बहुत ज़्यादा, उसको मैंने ले लिया। उसको लेने के बाद अपने आईज़ पर लगाया मैंने एक ही कलर से। देखिए पूरे अपने आईज़ को ब्लेंड करके अच्छी तरीके से लगा लिया। आपको दूसरे आईज़ पे भी ऐसे ही करनी है। उसके बाद फिर देखिए काजल लगाना है आपको। काजल आप कोई भी लगा सकते हैं, ऐसा बात नहीं है कि आपको हाई रेंज के ही लगाने हैं, आप कोई भी लगा सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने यहाँ पर नॉर्मल सा काजल लगाया है, ज़्यादा मतलब रेंज का काजल नहीं लगाया। उसके बाद देखिए मैंने आईलाइनर भी बहुत ही कम रेंज का लगाया हुआ है, डेजलर का आईलाइनर मैंने लेके लगाया है। तो आपको इस तरीके से आईलाइनर लगा लेना है। उसके बाद हम लगाएंगे लिपस्टिक। तो लिपस्टिक के लिए सबसे पहले तो आपको अपने लिप्स को लाइन कर लेना है लाइनर लेके। तो देखिए मेरे लिप्स थोड़े से मतलब छोटे दिख रहे हैं तो मुझे इसको थोड़ा सा बड़ा दिखाना है। लिप्स को मैंने बड़ा दिखाने के लिए देखिए लाइन के थोड़े ऊपर मैंने लिपस्टिक लगाया है ताकि मेरे लिप्स बड़े दिखे। आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं, अगर आपको छोटा रखना है तो आप छोटे ही रख सकते हैं। मेरे को थोड़ा बड़ा दिखाना है इसलिए मैंने बड़ा रखा है लिप्स को। उसके बाद फिर मैंने लाइन करने के बाद पिंक कलर का लिपस्टिक लेके अपने लिप्स पे लगाया। लगाने के बाद फिर उसको थोड़ा और अच्छा लुक देने के लिए मैंने कंसीलर नहीं लगाया। देखिए जहाँ पे हमें कंसीलर का यूज़ करना होता है मैंने लिपस्टिक से ही मतलब वो कर लिया, वहाँ पे वाइट कलर का लिपस्टिक लगा दिया लिप्स पे, तो देखिए कितना अच्छा लुक आ गया है। उसके बाद फिर हमको मेकअप सेट करना है तो मेकअप सेट करने के लिए मैंने लिया पाउडर, जो फेस पाउडर। आपके पास जो भी फेस पाउडर है आप ले सकते हैं, या तो आपके पास लूज़ पाउडर है तो आप वो भी ले सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको फेस पाउडर हाई रेंज के ही लेने हैं, अफोर्डेबल रेंज में ही आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा मेकअप कंप्लीट हो चुका है, तो ये रहा मेरा फाइनल लुक। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना।